अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारी एक फैमिली गैदरिंग थी। छोटा सा तो नहीं, काफ़ी अच्छा फैमिली इवेंट था। काफ़ी अरसे बाद, मेरे ख्याल में काफ़ी साल बाद, इस तरह से पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी हुई है और कोई गैदरिंग हम अटेंड कर रहे हैं। और मेरे इन लॉज की तरफ था और साकिब के फर्स्ट कज़न है, उनके छोटे से प्यारे से शहजादे की आज फर्स्ट बर्थडे थी, तो वो सेलिब्रेट करने हम यहाँ आए हैं। इस्लामाबाद का सेक्टर C12 कहलाता है, शाह अल्लाह दत्ता के नाम से ये जगह मशहूर है। बहुत ही खूबसूरत लश क्रीम जगह है और बहुत खूबसूरत प्लेस है और खाना भी बहुत अच्छा था। और ये जो रेस्टोरेंट है ये भी लेवल्स में बना हुआ है और हाइट पे जाता जाता है, तो आपको क्लिप्स भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और इस गैदरिंग की कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो सेलिब्रेशन यहाँ पर हुई, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारे साथ साथ रहिएगा और हमारी इस प्यारी सी पार्टी का हिस्सा बनिएगा। आपके साथ भी अपनी ये फैमिली सेलिब्रेशन शेयर करती हूँ। शुक्रिया। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग शाह अल्लाह दत्ता की तरफ रवा दवा हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर D12 से ये बिल्कुल ही करीब है और 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 2 से 3 साल बाद, कोई ऐसा फैमिली इवेंट आ रहा था जहाँ पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो रहा था। एक बहुत ही प्यारे से शहजादे की आज थी बर्थडे, जो कि साकिब के फर्स्ट कज़न का बेटा है, और सब लोग ही उसको दुआएँ देने के लिए, उसको विश करने के लिए यहाँ पर आज जमा हुए थे। काफ़ी पुरफजा मुकाम था, ओपन प्लेस था, बहुत खूबसूरत व्यू था चारों अतराफ का, तो देख के दिल खुश हो गया था। हम इस वक्त, ये एंट्रेंस है डेरा दारी कैफ़े, इस जगह का नाम है और DD कैफ़े भी कहलाता है। आप गूगल पे इसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, काफ़ी फेमस है वैसे ये जगह। और बहुत खूबसूरत लॉन बने हुए थे, ये लाइव बारबेक्यू हो रहा था और ये ढेर सारे जो हैं वो बटेर ग्रिल हो रहे थे, रोस्ट हो रहे थे, बारबेक्यू हो रहा था यहाँ पर लाइव। साइड पे ये लोग फ्रेश चपातियाँ लगा रहे थे, जिसको आप कागज़ी रोटी भी बोलते हैं, तो चपातियाँ लग रही थी मेहमानों के लिए। काफ़ी खूबसूरत जगह थी, बहुत खूबसूरत लॉन बने हुए थे, फ्लावर्स लगे हुए थे और देख के दिल बहुत खुश हुआ। और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल ताज़ी हवा के जो झोंके हैं वो आपको छू के गुजर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर आते ही जो है वो दिल खुश हो गया एकदम से, बहुत अच्छी जगह थी और बहुत मज़े की हवाएं चल रही थी। मुझसे नहीं, क्या पहना है? डायनासोर। और मूसा किधर आया है? हैप्पी टू यू आया है। ओके, मूसा की बाजी ने क्या पहना है? रेस्टोरेंट की बाउंड्री से बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था मार्कला हिल्स का, और आप देख सकते हैं कि हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। आइए आपको मैं रेस्टोरेंट का ओवरव्यू देती हूँ, चारों तरफ से आपको दिखाती हूँ रेस्टोरेंट। और इंडोर भी इनकी सीटिंग थी और आउटडोर भी, कोरोना की वजह से इंडोर तो आपको पता है हर जगह बंद है, आउटडोर जो है आप अपने फैमिली इवेंट्स जो हैं, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टीज़, दावतें, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये मोहम्मद का बर्थडे सेटअप था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही क्यूट सा ये अरेंजमेंट किया हुआ था इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा था। और बेबी का नाम बहुत ही प्यारा था, इससे खूबसूरत नाम और हो भी क्या सकता है, मोहम्मद। और अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनाए और बहुत सारी खुशियाँ दे। ये
के बर्थडे के बहुत ही खूबसूरत से केक्स थे। आज बेबी की और मामा की बर्थडे एक साथ मनाई गई थी, तो आपको ये टेबल पे दो केक्स नज़र आ रहे हैं। ये जो मल्टी लेवल केक है, कोको मेलन थीम पार्टी थी, तो ये उसके कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनवाया गया था। और साथ जो चॉकलेट केक नज़र आ रहा है वो उनके मामा के लिए था। आज बेटे की और मामा की बर्थडे साथ सेलिब्रेट की गई थी। केक कटिंग के बाद खाना लगा दिया गया और बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबुएं आ रही थी। बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट किया गया था, खाना बहुत ही अच्छा था। ये मटन कढ़ाई है, इसके साथ बिरयानी थी, और ये वो जो बटेरे आपको दिखाए थे ग्रिल हो रहे थे, ये बटेरे तैयार होके आ चुके हैं। और ये चिकन टिक्का बोटी थी, ये बहुत मज़े की लगी मुझे, जब मैंने खाई तो मज़ा आ गया इसका। बहुत अच्छी बनाई गई थी और बहुत बैलेंस इसके स्पाइसेस थे, टेस्टी फूड यहाँ का था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना। इसके साथ ही डिश में ये धुआंधार किस्म के बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब थे, और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बने हुए थे। और ये हम खाना निकाल के अपनी टेबल की तरफ आ चुके हैं और फैमिली के साथ फूड इंजॉय कर रहे हैं। खाना वाकई बहुत ही मज़ेदार था। कैसा रहा आज का इवेंट? इवेंट तो बहुत मज़े का था, बच्चों ने सबसे ज़्यादा मेरे इंजॉय किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ऐसे लगा जैसे मैं मुनाल में बैठा हूँ, इतनी हाइट पे यह जगह है। डीडी कैफेज़ है, और डीडी कैफेज़ D12 को क्रॉस करें तो C12 जो इस्लामाबाद का ये कहलाता है सेक्टर, वैसे आगे। आपको डीडी का मतलब बताएं जल्दी से। ये मुझे नहीं पता। डेरादारी। अच्छा, डेरादारी तुम्हें कैसे पता चला? मैंने देखा था। अच्छा ठीक है, तो लिखा होगा, पर मुझे कुछ नहीं इसके बारे में पता। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, और रोड बहुत ज़बरदस्त है। जब आप वहाँ से ऊपर से देखें तो ऐसे लगता है वो जैसे जेम्स बॉन्ड की रोड होती है ना, जिसका दूर से गाड़ी आती हुई दिखती है आपको। बड़ा अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा इवेंट है यहाँ पे। मेरा कज़न है माशाल्लाह कनाडा से आया है, तो उसके हमने बेटे की यहाँ पे फंक्शन किया है, और बहुत खुशी हुई। बहुत अरसे बाद हम लोग सारे इकट्ठे हुए, गेट टुगेदर हुआ, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आज। तो खाना वगैरह कैसा था? खाना अच्छा था, खाना बहुत अच्छा है, और ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर ये जगह है। अगर आप रिव्यूज़ भी देखेंगे डीडी कैफ़े के, तो आपको अच्छे खासे रिव्यूज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी कोई ट्रबल नहीं हुई यहाँ पे, बस गूगल मैप्स पे अगर आप सर्च करेंगे तो। और प्लस पॉइंट बताऊँ, ओपन एयर था लेकिन एक भी मच्छर नहीं था, मच्छर ने नहीं काटा, कोई मच्छर नहीं काटा जी हमें। मच्छर फ्री जगह है ये, इजीली आप ओपन एयर यहाँ पे जो है अपना बारबेक्यू इंजॉय कर सकते हैं, अच्छे अच्छे खाने यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और हवा भी बड़ी अच्छी थी इस वक्त, बिल्कुल सामने यहाँ पे मार्गला की पहाड़ी नज़र आती है, और बहुत अच्छा व्यू है, ज़बरदस्त। बहुत मूसा क्या कर रहा है? बैठा हुआ है, पीछे बेबी की पिक्चर्स हैं, देखिए आपने पीछे बेबी की पिक्चर्स। ये मूसा की अम्ब्रेला साथ साथ रहती है। मिर्जा कहाँ आए हो अभी आप? मैं भी शाला दित्ता में आई हूँ, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कैफे रेस्टोरेंट है, इसका नाम डेरादारी है, और ये डीडी कैफे है। ओके, तो खाना खाया आपने? जी खाया। कैसा था? बहुत मजे का था। अच्छा, और क्या क्या खाया मिर्जा ने? मैंने दो बार बिरयानी ली, और सीख कबाब लिया, एक बीफ सीख कबाब और चिकन। तो आपको तो सीख कबाब वैसे ही बहुत पसंद है। चलो, यानी अच्छा रहा इवेंट। ओके, और बेबी कैसा था जिसकी बर्थडे थी? वो भी अच्छा था, मैं तो नहीं मिली क्योंकि वो जब भी उसके पास जाती ना तो रोता है, छोटा है ना, इसलिए। चलो, मिन्सा ने क्या पहना है आज? मैंने फेरी ड्रेस पहना है। ओके, और आई नेम्ड इट। खड़े होके दिखाओ। रात हो चुकी थी, तो रेस्टोरेंट की लाइट्स पूरी तरह से खोल दी गई थी। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये लाइट्स खुल जाने के बाद, और रात के वक्त भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छी है,
और खाना भी बहुत अच्छा था और बेबी भी बहुत प्यारा था जिसकी बर्थडे थी। और कैसा रहा इजान आपका आज का दिन? आज बहुत अच्छा रहा, खाना भी बहुत मजे का था और इस जगह पे ठंडी हवा भी बहुत है और बहुत ज्यादा मजा आया। ओके ग्रीन भी तो आप दोबारा आओगे इधर? पहली दफा शायद इस कैफे में आया हूँ, इस कैफे का नाम है डीडी कैफे। ओके और ये कहाँ पर है? ये पहाड़ों के ऊपर। ओके मजा आ रहा है यहाँ पर आपको? बहुत।